अरे गोष्ट चालू करा स्वार्थी मतलबी लोग अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें किया क्या बड़गांव का क्या माहौल है आपको याद होगा जब जेपी महाजन साहब देश महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे यहाँ पे जब आए थे उन्होंने बोला था कि बड़गांव का जो नजारा ये वीडियो शूटिंग उस वक्त वीडियो या कार्यक्रमाची जी उपस्थिती बघून मार जे भरून आलंय इथे जे आम्हाला पाठिंबा मिळालेला आहे आमच्या गैर मुस्लिम बांधवांचा जे हजर आहेत ते जे गैरहजर आहेत त्यांचा सुद्धा आम्हाला पाठिंबा आहे तो पाठिंबा बघून आम्हाला या गोष्टींचा अभिमान आहे का आमच्या पूर्वजांनी जो निर्णय घेतला होता का हा भारत हा आमची मातृभूमी आहे हा भारत देश हा आमची मातृभूमी आहे या बांधवांच्या या बांधूंचं प्रेम बघून आमच्या पूर्वजाचा निर्णय किती
सार्थ होता किती योग्य होता याची जाणीव आज आम्हाला झालेली आहे। आपल्याकडे आपण विकसनशील देश म्हणून प्रगती म्हणून आपण पुढे जात होतो तो जीडीपी आज खाली आलेला आहे। त्या सगळ्या गोष्टींवरून आपलं लक्ष डायव्हर्ट करून परत यांनी हिंदू मुस्लिम एक दुफडी निर्माण करण्यासाठी हा एनआरसी आणलेला आहे। मित्रांनो, हा जो विषय आहे याच्या मागची यांची जी भावना आहे ती फक्त आणि फक्त मनुवादी त्यांचा जो अजेंडा आहे त्याला राबवण्याची आहे। या देशातले बहुजन समाज जो आपली ओळख आपलं नागरिकत्व कागदोपत्री सिद्ध करू शकत नाही अशा लोकांना शरणार्थी म्हणून घोषित करायचं। शरणार्थी म्हणून हे घोषित झाल्यानंतर त्यांची दुय्यम नागरिकता मिळेल। त्यानंतर त्यांच्याकडे जे इतर अधिकार आहेत जे नागरिक म्हणून जे मतदानाचे अधिकार आहेत ते सगळे काढून घ्यायचे आणि जो लोक आपल्या पाठीशी नाही त्या समाजाला दुय्यम नागरिक घोषित करायचा हा यांचा हेतू आहे। मित्रांनो, असं वाटतंय का आपल्याला या घोषकरांचे गोष्टी सांगून हा एनआरसी कायदा लागू करून या सरकारने एक प्रकारे आपलं डोकं दुखते आणि गुडघ्याला बांध लावताय अशा प्रकारची यांची पद्धती आहे। तरी बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला एक उद्देश दिलेला होता तो उद्देश असा होता तर जे सरकार आपल्या न्याय हक्क आड येत असेल तर ते अशा सरकारविरुद्ध बंड पुकारायला पाहिजे। लोकशाहीने संविधानाने आपल्याला तो अधिकार दिलेला आहे त्या संविधानिक अधिकाराचा उपयोग करून हा तमाम आपण इथे या सरकारचं जे NCR CAA NPR या कायद्याला आपला विरोध मध्यवर्ती चोर वो है लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान को वो आज चोर बोलने लग गए। लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारे जो मुसलमान भाई है भारत के आजादी के लिए उन्होंने अपना खून पसीना ये किया है और जिस समाज ने आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन वह लोग आज हमारे भारत के ऊपर राज कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुजन भाइयों को मूल निवासी भाइयों को वो आज चोर ठहराने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो हमारे भारत की जो हालात है बेरोजगारी है गरीबी है जो शिक्षित लड़के हैं उन्हें नौकरी नहीं है इसमें से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने NRC कायदा और ऐसे जो कुछ बातें है वो बातें हमारे हम क्या मांगे हक हमारा और लेके रहेंगे। मैं हमारे मोहतरम मेहमान पांचवरा मुस्लिम सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज जो ये धरना आंदोलन दिया जा रहा है ये कोई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस धरना आंदोलन की जरूरत पड़ी तो उस धरना आंदोलन के लिए जिस सरकार ने हमको ये कगार पे लाके खड़ा कर दिया ये सरकार ईवीएम मशीन की नादारी दौलत है। तो साथियों, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग ने ये जो नाजायज सरकार नाजायज काम कर रहे हैं और देश में बवाल मचा के रखा है। अभी ईवीएम पे फैसला होना था, लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे, क्या ईवीएम का विरोध कैसे खत्म हो जाए इसलिए उन्होंने एक दूसरा फंडा अपनाया। मैं हमारे यहाँ पॉलिटिशियन बैठे हुए उनको एक बात बताना चाहता हूं कि NRC CAA जैसे आसाम में NRC लागू किया गया तो उससे पहले NRC इस पार्टी के सदस्य
थे वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। जब तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष नागरिकता एनआरसी अटल जी भी बाहर के थे कंटिन्यू अडवाणी लाल कृष्ण अडवाणी जी भी पाकिस्तान के थे। और आगे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो नाजायज सरकार है ये लोगों को गुमराह कर रही है, हम लोगों को गुमराह कर रही है और हम लोग भी गुमराह हो रहे हैं। मैं आपको और आगे इस तरीके से बात बताना चाहूंगा जो हमारे अदर्स मुस्लिम समुदाय के अलग लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी, अगर जब भारत पाकिस्तान की फाड़नी हुई थी तो जब दोनों देशों की सरहदों पे पूरी दुनिया में पूरे देश में दोनों देशों में ऐलान चलाया गया था कि अगर आपको भारत रहना है तो भारत रहिए, आपको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जाइए, उस टाइम ने हमने गांधी के भारत को पसंद किया था, ना के मोहम्मद अली जीना के पाकिस्तान को पसंद। कहीं ऐसा है देश का सर्वे उठा के देख लो 40% लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो भुखमरी की डगार पे है, हमारे देश के लोगों की भुखमरी खत्म नहीं कर पा रहे और ये नालायक हमारे देश के लोगों को विदेशी लोगों को नागरिकता देने के। साथियों और एक बात बताना चाहूंगा कि देश में जो विषमतावादी विचार, इस देश में 3-3.5% के लोग जो कर रहे हैं, हमारे देश के सभी लोगों से सभी पार्टियों से एक विनती करूंगा कि आप सब लोग साथ में आइए। आज आपको लग रहा है कि सीएए बिल पे हमारे गृह मंत्री ने ये बात नहीं कही कि मुसलमान को छोड़ के सब लिया जाए, अरे ये संविधान जो संविधान का जो है मूल स्ट्रक्चर है मुझ जो खुद फ्रेम है उसकी मूल फ्रेम है उसमें मैंने संविधान पढ़ा है, जिसने संविधान पढ़ा है उसने उसको मालूम है कि संविधान के कानून में ये लिखा है कि कोई भी कानून देश में किसी मजहब पे किसी धर्म पे नहीं बनाया जाएगा। तो ये सीए भी कैसे ये संविधान को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए इसकी हालत ऐसी कर चुकी है और ये द्वेष की बिगड़ती हालत को उन लोगों ने क्या ये लोगों को कैसा गुमराह किया जाए, ये बिल से होने वाला कुछ नहीं है। पर हम लोगों को ईवीएम मशीन का विरोध ना करे, हम लोग हमारी उज्जैनों में पा रहे हैं। तो साथियों मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं क्या जब तक आज ये सीए पास हुआ है आगे एनआरसी लाने वाले हैं, अरे ये एनआरसी लाए ना लाए जब तक सीए बिल रद्द नहीं होता हमको लगातार जो भी रैली निकली जो भी बंद पुकारा जाए उसमें साथ सहयोग दें। और सभी जाति धर्म के लोगों से विनती करूंगा मैं कि आज संसद में बोलते हैं कि हम जिसको नागरिकता घर जाके देंगे, अरे ये नालायक कौन है, तुम्हारे खाते पे 15 लाख नहीं दिए तो नागरिकता क्या देंगे। अरे साथियों कल के रोज पहले जब ये एनआरसी लागू किया जाएगा भारत के आदिवासी